हज की तीन किस्में हैं। तो अगर कोई शख्स किसी भी किस्म को सेलेक्ट नहीं करता, बस कहाँ जा रहे हो, हज पे जा रहा हूँ, तो क्या उसका हज अदा हो जाएगा? हज की जो तीन अकसाम हैं, इन तीन अकसाम के फिर आगे चल के मुख्तलिफ अहकाम हो जाते जी हैं। तो एक है हज इफराद, एक होता है हज तमत्तो, और एक होता है हज किरान। या आप रफीकुल हरमेन देखेंगे, इसके अंदर हज की जहाँ अकसाम का चैप्टर आएगा, वहाँ ये तीन नाम आपको नज़र आएंगे। मुख्तसरन ये कि हज इफराद वो हज होता है जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ हज का एहराम बांधा होता है। अब ये एहराम हज का हज अदा करने के बाद ही खुलेगा। एक होता है हज तमत्तो। हज तमत्तो में दो काम किए जाते हैं, एक उम्रा और उम्रे के साथ साथ फिर हज। हाँ जी, लेकिन इसका तरीका कार ये होगा कि पहले जो हज करने वाला है वो उम्रे का एहराम बांधता है। उम्रे का एहराम बांधने के बाद उम्रा अदा कर लिया, उम्रे के अदायगी के बाद वो एहराम की पाबंदियों से बाहर आ जाता है हलग या तकसीर करके। अब उसके बाद जब हज का वक्त करीब आ जाता है, योम तरविया 8 ज़िलहिज्जा, वहाँ फिर दोबारा ये हज का एहराम बांधेगा। पहले उम्रे का एहराम था, उम्रा अदा करने के बाद ये नॉर्मल रिलैक्स हो गया। अब ये हज के अय्याम करीब आने के बाद हज का एहराम बांधेगा। फिर हज के एहराम बांधने के बाद अब ये एहराम उतरने का जब वक्त आता है, यानी एहराम की पाबंदियां ख़त्म होने का जब वक्त आएगा, कुर्बानी कर लेगा। कुर्बानी करने के बाद फिर ये इसकी अदायगी, यानी उम्रा मुकम्मल, हज मुकम्मल हो जाएगा। अब ये आगे तवाफ़ ज़ियारत इसको करना है, और ये हलक वगैरह करके उम्रे की पाबंदियों से निकल जाए, फिर तवाफ़ ज़ियारत कर ले। ये है हज तमत्तो। और हज किरान ये है, किरान का मतलब मिलना। तो हज किरान का मतलब ये है कि एक आदमी एक ही एहराम, यानी एक ही दफ़ा में उम्रा और हज दोनों को एक साथ शुमार करता है कि मैं इन दोनों चीज़ों को एक ही दफ़ा अदा करूंगा, एक ही एहराम में अदा करूंगा। तो अब वो पहले उम्रा अदा कर लेता है, उम्रा अदा करने के बाद उसको हलक करने की इजाज़त नहीं है। अब वो इसी हालत में, एहराम की हालत में ही रहेगा यहाँ तक कि हज मुकम्मल अदा कर ले। जब ये मुकम्मल हज अदा कर लेता है, यानी वकूफ़ अरफा हो गया, इसके बाद रमी हो गई, कुर्बानी हो गई, फिर इसके बाद ये हलक जब कर लेगा, अब ये एहराम की पाबंदियों से निकलेगा। तो ये हज की ये तीन अकसाम हो जाती हैं। तो अब अगर किसी शख्स ने सिर्फ इस नीयत से कि मैं सिर्फ हज कर रहा हूँ, और एहराम की नीयत करते वक्त, लब्बैक कहते वक्त उसकी नीयत सिर्फ हज के एहराम की है, तो ये उसका हज हज्जे इफ़राद हुआ। मिसाल के तौर पे अगर ये ज़िलकादा की 20 तारीख को इनका काफ़िला पाकिस्तान से रवाना हो रहा है, अब किसी ने किरान की नीयत की, किसी ने हज तमत्तु की नीयत की, और ये साहब सिर्फ हज की नीयत से इन्होंने एहराम बांध लिया, तो इनका ये हज हज्जे इफ़राद हुआ। और हज इफ़राद में सिर्फ हज का एहराम होता है, उसमें उम्रा नहीं नहीं होता। होता। अब ये जो साहिब हैं, ये जब तक हज अदा ना हो जाए उस वक्त तक एहराम की पाबंदियों में रहेंगे। तो इसलिए हुज्जाज किराम को चाहिए कि जब हज के लिए जा रहे हैं तो ये हज इफ़राद, किरान, तमत्तो, इनके अहकाम सीख लें। उमूमी तौर पे हमारे पाको हिंद से जो काफ़िले पहुँचते हैं तो ये हज तमत्तो करते हैं। हज तमत्तो करने में आसानी है कि आप जब यहाँ से जाते हैं, मिकात क्रॉस करने से पहले ही आप उम्रे के एहराम की नियत कर चुके होते हैं। वहाँ जाके आपको उम्रा अदा करना होता है। उम्रा अदा करने के बाद आप एहराम की पाबंदियों से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद जब हज का एहराम बांधने का वक्त करीब आ जाएगा, हज का एहराम बांधते हैं, फिर हज की अदायगी मुकम्मल हो जाती है। तो इस तरह दरमियान में किसी को 10 दिन, 15 दिन इतने मिल जाते हैं जिसमें वो नॉर्मल लिबास के अंदर आ सकता है। तो उमूमी तौर पे हमारे पाको हिंद से जाने वाले हज तमत्तो करते हैं, लेकिन अफजल जो हज है वो हज किरान है कि इसके अंदर पाबंदियाँ ज़्यादा होती हैं।